सुबह के लगभग 12 बज रहे हैं और मैं घर से निकल चुका हूँ। तो घर में मुझे एक्चुअली ये पनीर लाने को कहा गया है, तो मैं सोचा कि एक मोटो ब्लॉग बना दूँ। मेयर साहब के ऑफिस के पास मंदिर मोड़ से थोड़ा पहले पानी टंकी के समीप हूँ मैं अभी, और ये मंदिर की ओर जो रास्ता जाता है उस पर आगे बढ़ चुका। हाँ, तो जैसे कि घर में मुझे कहा गया कि जाओ पनीर ले आओ, तो मैं सोचा कि एक मोटो ब्लॉग कम एक आप लोग को दिखा दूँ कि जो देवघर में एक प्रसिद्ध पनीर और दही की दुकान है, साथ ही में वहाँ रबड़ी भी मिलता है, और सीजन अगर रहा तो वहाँ गाजर की हलवा और इन प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो आपको वो दुकान दिखाऊं जो कि नर्सिंग टॉकीज के समीप है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और तो जो सामने आप दुकान देख रहे हैं, ये एक्चुअली यही दुकान की मैं बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ बहुत सारा सामान बिक चुका है। तो यही वो दुकान है जो कि बहुत प्रसिद्ध राबड़ी दही और पनीर की दुकान है। देख सकते हैं सामने जो पनीर ले रहे हैं वो कितना अमाउंट में ले रहे हैं, और अगर आपको देवघर में दही लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पनीर लेना है तो भी यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको मिठाई लेना है तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। राबड़ी के लिए ये दुकान काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी यहाँ भीड़ है नहीं, लेकिन ऐसे काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे। तो आज मैं यहाँ पनीर लूँगा, मिठाई मुझे सादा वाला लेना था जो कि अभी अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ जब भी दही लेंगे तो मिट्टी के बर्तन में दिया जाएगा, प्लास्टिक में मांगेंगे तो प्लास्टिक में दिया जाएगा, और सामने देख रहे हैं प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे मिट्टी के कंटेनर में दिया जाता है जो कि आप सामने देख सकते हैं भार रखा हुआ है। हमको आधा किलो पनीर दे दीजिए ना, आधा किलो पनीर। राबड़ी क्या रेट है? 220 रुपये। और दही? 80 रुपये। और पनीर? 260। तो जैसे कि देख सकते हैं पनीर मैंने ले लिया है, और यही वो दुकान है जो कि नर्सिंग टॉकीज के पास है। तो आप यहाँ के कभी भी दही और यहाँ का पनीर ले सकते हैं, और राबड़ी भी यहाँ का जो होता है वो बहुत ही फेमस है। कि नर्सिंग टॉकीज की मैं बात कर रहा था, ये एक पुराना सिनेमा घर है जिसका नाम नर्सिंग टॉकीज है। तो ये पहले बहुत चलता था, लेकिन अब उतना चलता नहीं है। हालांकि लॉकडाउन में ऐसे भी सिनेमा जो हॉल है वो उतने चल नहीं रहे हैं। देवघर में बहुत सारे पुराने पुराने दुकान हैं जिनसे आप सामान ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा सामान मिलता है और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसे नए फैशनेबल दुकान भी बहुत खुल चुके हैं, उनका भी सामान अलग रहता है, टेस्ट अलग रहता है काफ़ी। लेकिन जो मैं कहूँ कि एक जो पुराना आपको अगर देवघर का झलक पाना है, टेस्ट पाना है, तो ये सब दुकान जहाँ मैं कभी कभी आप लोग को ले जाता हूँ, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप सामान ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाज़ार इंडिया खुला हुआ है, एक मॉल टाइप का है, विशाल मेगा मार्ट नाम है इधर राइट साइड में जो आपने देखा।
गोविंद मिष्ठान भंडार बंद है, तो मैं देखता हूँ एक और दुकान है, अगर वहाँ पे मिठाई मिल जाए तो मैं वहाँ से मीठा ले लूँगा। मीठा में खाली यही है, सादा नहीं है। सादा मीठा दस पीस दे दीजिए। तो यहाँ से आप समोसा, मिठाई और यहाँ पे सामने कचौड़ी बनता है, वो भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेब तला जा रहा है, तो इन्होंने मीठा को पैक कर दिया है। सामने आप देख सकते हैं बुनिया, ₹50 हो गया मीठा का, 10 पीस लिया मैंने, ₹5 पीस। तो मिठाई भी हो गया है, पनीर भी हो गया है, अब घर निकलते हैं। तो मैं आपको घर ले चलूँगा, हॉस्पिटल होते हुए चलेंगे हम लोग। हॉस्पिटल जाना नहीं है, बट वो रास्ते से ले चलूँगा ताकि आप लोग देख पाएँ। तो ये जो झौंसा गढ़ी है, यहाँ से राइट कट रहे हैं, ये रास्ता जून पोखर मेरे घर की ओर चला जाता है, और जो देवघर का जो अभी नया सदर अस्पताल बना है वो भी इधर ही शिफ्ट हो गया है। देवघर सदर अस्पताल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, जो नया वाला सदर अस्पताल है, जो कि टावर चौक से शिफ्ट होके यहाँ पे हो गया है परमानेंटली, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही देवघर सदर अस्पताल का मेन गेट है, आप देख सकते हैं देवघर सदर अस्पताल, और अंदर जाके काफ़ी बड़ा सदर अस्पताल है, और इधर बहुत सारे दवाई दुकान, साथ ही में कुछ पानी और चाय की दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेरे घर से लगभग 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100 to 200 meters का डिस्टेंस होगा। तो ये काफ़ी अच्छा बात हो गया है कि सदर अस्पताल इतने नज़दीक शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से राइट ले लूँगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अंत करता हूँ दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देवघर में आपको कभी भी पनीर लेना हो, दही लेना हो, तो मैंने जो दुकान को दिखाया वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो मैं अपने घर पहुंच गया हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।